हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे चैप्टर 3.4 यानी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में कहता है, पहला क्वेश्चन जो इसमें है कि दिया हुआ है कि रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ, उसको बोलता है प्रतिस्थापन विधि द्वारा और विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा पहले बता चुके हैं, आप उसको समझ करके इसका बना सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे विलोपन विधि द्वारा कैसे आप रैखिक समीकरण युग्म का x और y का मान निकाल सकते हैं। विलोपन का मीनिंग या इलिमिनेशन, यानी इलिमिनेशन में ना कोई एक गो, यानी दो चर है, दो वेरिएबल है, कोई एक वेरिएबल को दोनों इक्वेशन से खत्म कर देते हैं, उस स्थिति में आपका x का मान या y का मान अगर कोई एक खत्म होता है तो उसमें निकल जाता है, तो उसका सोल्यूशन ईजी बनता है। जैसे हम बनाते क्या है, इसमें एक समीकरण 1 लेते हैं, एक समीकरण 2 लेते हैं। पहले इस दोनों को देखते क्या है, अगर इस दोनों को जोड़ने या घटाने से कोई x या y खत्म हो जाता तो ठीक है, नहीं तो करते क्या है, कोई एक इक्वेशन में दो गुना करने से या भगा करने से तब देखते हैं क्या उसमें से कोई खत्म होता हो जाएगा, तो उस स्थिति को देखते कैसे बनता है। मान लीजिए समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है, अगर यहाँ पे मान लीजिए जोड़ते हैं तो नहीं करता है, अगर यहाँ पे 3 रहता, अगर यहाँ पे कितना रहता, यहाँ पे 3 रहता, 3y रहता, ये 3y दोनों को जोड़ते क्या, अगर प्लस 3y, अगर प्लस माइनस 3y, अगर इस दोनों को जोड़ते तो क्या आता, 3y प्लस माइनस माइनस 0 होता। इसलिए करते क्या है, समीकरण 1 में 3 से गुना कर देते हैं, 3 से गुना करने पर किसमें क्या है, समीकरण 1 में 3 से गुना किए, 3 गुना x 3x हो गया, 3 गुना y 3y, 3 गुना 5 15 हो गया। ये समीकरण 1 में अपने मन से 3 से गुना किए, क्योंकि हमको y को यहाँ पे खत्म करना है, अगर x तो खत्म बचे 2 से गुना करते, ये एक समीकरण हो गया, ये भी एक समीकरण हुआ। अब इसको वही रहने देते हैं, इसको वही रखें 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखिए, अब जोड़ने पर क्या होता है, किसी का साइन चेंज होता है, जोड़ने पर अगर इसको जोड़ेंगे, अब 3x प्लस 2x कितना हो गया, 5x हो गया। अब इस दोनों को जोड़िएगा, प्लस 3y है माइनस 3y, इस दोनों को जब जोड़िएगा तो 0 आ जाएगा, 3y में से 3y चलेगा, 0 बच जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। अब बचा क्या, अब इस दोनों को जोड़िएगा, 5 4 9, 5 4 क्या होगा, 5 4 9 1 19, यानी x बराबर आपका 19/5 निकला। अब x का मान निकल गया है, आप किसी भी एक समीकरण में x का मान पुट कर दीजिए, रख दीजिए। मान लीजिए हम रखते हैं क्या, x का मान समीकरण 1 में रखिएगा तो क्या होगा, x का मान कितना है, 19/5, ये समीकरण आपका समीकरण 1 है, x का मान 19/5, y वही रहेगा 5 रहेगा, y बराबर क्या होगा, 5 माइनस 19/5। जब आप एलसीएम लीजिएगा इतना 5 हो जाएगा, ये 5 5 25 25 19 हो गया, ये 25 में से 19 गया कितना, 6/5, यानी आपको दो मान निकला, x का मान 19/5, आप y का मान निकाल चुके हैं 6/5, ये आपका विलोपन विधि से हल हो गया। आप इसको चाहे तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी आप हल कर सकते हैं। अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2 है, इस समीकरण को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, पहले इसको ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे कैसे अगर जोड़ने घटाने, अगर इसको जोड़िएगा 3 2 5 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, तो ये खत्म नहीं होने वाला। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर इसमें 2 से गुना कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अगर ये 4 हो जाएगा तो ये प्लस 4, ये माइनस 4, दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। करते क्या, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2। अब क्या किए हैं, समीकरण 2 में क्या किए हैं,
दो से गुना किए, दो से गुना किए हैं, गुना करने पर पहला समीकरण तो वही रह जाएगा 3x + 4y = 10। दूसरा आपका क्या हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे कितना गुना किए हैं, गुना किए हैं दो से, दो से गुना किए हैं तो क्या हो जाएगा, दो दुना 4x हो जाएगा, दो दुना 4x। यहाँ पे क्या माइनस दो दुना 4y हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा दो दुना 4। जैसे आप क्या कीजिए इसमें, यहाँ पे देखिएगा जोड़ने पर 0 आ जाता है, जोड़ने पर अगर 0 हो जाए तो घटाने की कोई जरूरत नहीं। जोड़ने पर क्या लिखना है, यहाँ पे जोड़ने पर होगा तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। 4 3 7x इसको जोड़िएगा तो खत्म 0 हो जाएगा, 10 4 14 हो गया, यानी x = 14/2, यानी 14/7 हो जाएगा, यानी 7 × 2 = 14, यानी x का मान आपका निकला 2। अब इस y का मान निकालना है, y का मान समीकरण समीकरण एक में रखिए या दो में रखिए, किसी में रख दीजिए। मान लीजिए समीकरण दो में रखते हैं, समीकरण दो में रखने पर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं 2x, x का मान रखे हैं, क्या x का मान आपका निकला है ना, x का मान 2 निकला है, दो x का मान कितना निकला, 2 - 2y = 2, यही हो जाएगा, 2 × 4 - 2y = 2। अब क्या कीजिएगा, -2y ये 2 है, ये प्लस है उधर जाएगा क्या होगा -4, यानी आपका आया क्या 4 - 2y = 2 आया, 2y बराबर क्या 2 - 4 हुआ। अब आप क्या कीजिएगा, आगे क्या हो जाएगा -2y = कितना -2 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म, यानी y बराबर आपका कितना 2/2, यानी आपका कितना निकला 1 निकला, यानी x का मान जो आपका निकला इस विधि द्वारा 2 निकला, y = 1 निकला। अब दूसरा इस दूसरे तरह से बना सकते, यहाँ पे आप x को भी आप विलुप्त कर सकते हैं, अगर यहाँ पे आप 2 से गुना कर सकते हैं, अगर यहाँ पे 3 से गुना कर देगा 2 3 6 3 2 6 हो जाएगा, इस स्थिति में भी ये हो जाएगा। अगर दूसरा कोई बनाए तो वो भी सही हो सकता है, आपको कोई एक गो उसमें विलुप्त करना है। हाँ तो स्टूडेंट 1 का तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है 3x - 5y - 4 = 0, 9x - 2y 9x = क्या है 2y + 7 है। इस दोनों क्वेश्चन को हल कैसे कीजिए, पहला इक्वेशन जो आपका है ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 पहले लेते हैं, इसको पहले देखते हैं क्या 3x - 5y = ये माइनस फोर है उस उधर जाएगा तो क्या होगा। ये पहला इक्वेशन देख लीजिए 3x - 5y = -4 है, 3x - 5 - 4 उधर जाएगा तो क्या होगा +4, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा समीकरण क्या है 9x 2y + 1, y को इधर कर लेते हैं, y को इधर के जैसे कीजिएगा तो 9x 2y इधर आएगा तो क्या होगा -2y = 7, ये हो गया आपका समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो अब इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि इसमें कट नहीं रहा है, जोड़ने पे भी नहीं कट रहा, करते क्या है यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं क्या 3 से गुना करते हैं, यानी आपने हमने क्या किया समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर क्या हो गया वो देख लीजिए, 3 3 9x, 3 5 15y, 3 4 12, गुना करना तो पूरा इक्वेशन में गुना हो जाता है, होल इक्वेशन में 3 3 9x, 3 5 15, 3 4 12। अब दूसरा इक्वेशन हूबहू उतर जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं किए 9x 2y = 7, ये दोनों इक्वेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे जोड़ने पर 9x 9x जोड़िए 18x हो जाएगा, इस स्थिति में करते क्या है घटाने पर लिखते हैं, जैसे आप घटाने पर लिखते हैं घटाने पर इस स्थिति में क्या होगा सारा का चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप माइनस सब में लगेगा, इस स्थिति में यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका साइन क्या हो जाएगा अब प्लस हो जाएगा, अब इसका प्लस है तो इसका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये 9x + 9x - कितना आ गया 0 आ गया।
अब देखिए ये प्लस टू वाई है, ये माइनस में है, माइनस 15 वाई कितना हो गया, माइनस 13 वाई हो गया। 15 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 13 वाई हो जाएगा। 12 में से 7 गया कितना, 7 5 12। वाई बराबर अब क्या हो जाएगा, 5/-13, दैट्स मीन -5/13। आपका वाई का मान जो स्टूडेंट निकला है वो निकला है आपका क्या, -5/-5/13। अब वाई का मान आप समीकरण 1 में रख लीजिए, किसी में रख लीजिए, मान लीजिए हम वाई का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, ये समीकरण 2 में या वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं ना, ये भी एक समीकरण है, इसमें भी रख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9x का 9x हो जाएगा, 2y जगह कितना निकला आपका, -5/13 +7, 2 5 10, -10/13, ये हो गया 7, ये हो गया 9x। अब इसका एलसीएम लीजिएगा, 13 ये हो गया -10, ये हो गया कितना +7, 13 गुना आप 7 कीजिएगा तो कितना आएगा स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कितना आएगा, 7 21 7 1 7 2 9 9x बराबर क्या हो गया आपका, ये इसको घटाइए कितना आएगा, 81 81 बटा आपका कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 81 बटा कितना आएगा आपका, 13 आ जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, ये आ जाएगा x बराबर 81/30, ये 9 यहाँ पे आ जाएगा, 9 9 81, यानी x का मान जो आपका निकला स्टूडेंट 9/13, और y का जो मान निकला आपका -5/13, ये 2 आपका सॉल्यूशन हो गया है। तो स्टूडेंट आपका चौथा नंबर जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, x/2 + 2y/3 = -1, x - y/3 = 3। ये 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन आपका ये है, एक इक्वेशन ये है। ये इक्वेशन को आप कुछ सिंपल तरीके से बनाएंगे, ये जो इसका फ्रैक्शन है इसको फ्रैक्शन को हम सिंपल पहले कर लेते हैं, इसको फ्रैक्शन करते हैं, ये इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, 3 2 6 हो जाएगा, 3 2 6। अब 3 2 6 है क्या, 2 3 6, 3x हो जाएगा, ये 3x, ये हो जाएगा 2 2 4y। आप एलसीएम के देख, इसका एलसीएम 3 2 6 हो गया, 3x हो गया, ये 2 2 4y बराबर कितना, -1। अब इसको आप और सिंपल करिएगा, कैसे कीजिएगा, ये 3x + 4y बराबर, ये कॉस मल्टीप्लाई 6 × -1, -6 हो गया, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, सिर्फ 1 है, यहाँ पे पूरा का पूरा यही आ जाएगा। ये आपका ये हो गया एक इक्वेशन, ये हो गया समीकरण 1 हो गया। अब आप समीकरण 2 को भी इसी प्रकार से कीजिएगा, सिंपल तरीका, सिंपल इसका कीजिएगा क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 3 एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 1 × 3 यानी 3 × x, यहाँ पे वाई बराबर 3, यानी इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं, 1, इसको पूरा इधर से गुना कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3x - y, 3 3 9, आपका समीकरण 2 हो गया, ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 सिंपल फॉर्म में है, समीकरण 2, अब इसमें देखना है कि विलुप्त हो रहा है कि नहीं, अगर विलुप्त नहीं हो रहा तो क्या कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ पे भी 3x है, कॉमन बात है, गुना नहीं करना पड़ेगा, कट जाएगा, तो घटाने पे या जोड़ने पे कट ही जाएगा। समीकरण 1 और 2 लेते हैं, समीकरण 1 और 2, यानी 3x + 4y = -6 है, 3x - y = 9 है, यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ने पर नहीं जोड़ेगा 6 हो जाएगा, घटाने पर करते हैं, घटाने पर क्या हो जाएगा, साइन चेंज, इसका प्लस है तो माइनस, इसका माइनस है तो इसका प्लस है तो माइनस, 3 ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3x - 3x को जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 4x यहाँ पे y प्लस में अब हो गया, 4y + y कितना, 5y हो जाएगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, 9 6 15 माइनस
माइनस वाई बराबर कितना हो गया आपका 15/5, यानी 5 3 15, आपका जो वाई का मान स्टूडेंट निकला वो निकला है आपका -3। अब वाई का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। अब मान लीजिए हम समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, किसी में रख दें। मान लीजिए समीकरण हम रखते हैं 2 में रख देते हैं, आप किसी में भी रख के बना सकते हैं। वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिएगा क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई की जगह रखना है, वाई है यहाँ पे माइनस में ऑलरेडी है, एक इसका माइनस बराबर 9 3x 3 9 3x 9, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या माइनस में 3x 6, तो x 6/3 3 2 6, यानी x का मान जो आपका निकला है वो 2 निकला है, y का मान -3 निकला है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया किसका, विरोपण विधि द्वारा आपका रैखिक समीकरण युग्म का सॉल्यूशन हो गया। आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा आप बना सकते हैं पहले वाला लेक्चर देखे। अगर और भी इसमें कोई आपको परेशानी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप जो अगर जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।